अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो हम हैं ठीक। और आज जो ये नाश्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, दस्तरखान पे इतना सारा नाश्ता रखा हुआ है। तो हमारे घर में आए थे कुछ गेस्ट, वो थे आसिफ जी की तरफ से, यानी कि मेरे ससुराल वाले आए थे। आसिफ जी के कज़न्स आए हुए थे, तो वो लोग कैमरे के सामने नहीं आते, तो इस वजह से हमने उन्हें नहीं लिया। बट मेरा काम है तो उन्होंने कहा आप अपना काम कर सकती हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता रखा था, समोसे, कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट वगैरह। उसके बाद मैं फटाफट से गई थी खाने की तैयारियों में। तो खाने में मैंने बनाया था मटर पनीर, बूंदी का रायता, आलू के पराठे थे, और पूरी बनाई थी और चावल बनाए थे। चटनी और जो कढ़ी थी वो लेफ्ट ओवर थी, रात बनाई थी मैंने, तो वो भी मैंने इनके आगे रख दी थी। तो ये लोग बड़े खुश होके हमारे घर से गए थे और राइस बनाए थे। तो अच्छा लगता है जब आपके यहाँ पर कोई आता है और खुश होके जाता है, आपकी तारीफ़ करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। उन्हें हमारी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई थी। और इसमें ही मैंने एक कस्टर्ड भी बनाया था जो कि मैंने फ्रिज में अभी ठंडा करने के लिए रख दिया है, हालांकि वो बहुत मना कर रहे थे बट फिर भी। तो यहाँ पर मैंने बनाया था फ्रूट कस्टर्ड, और ये मैंने ठंडा करके उसके बाद उन्हें खाना वाना खाने के बाद मैंने सर्व किया था। और फिर वो लोग वन नाइट स्टे करके वो लोग अर्ली मॉर्निंग यहाँ से चले गए थे। तो अच्छा लगा था, मेहमान के आने के बाद हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेहमान आए थे और मेहमान अर्ली मॉर्निंग चले गए थे, आज सुबह ही मेहमान चले गए, तो मैंने जल्दी से फटाफट से कारपेट जो थे बहुत गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो जी जल्दी से इनको धो धा के इनको रख देते, क्योंकि मैं धो के ही रखती हूँ अपने कारपेट। सर्दियाँ जब आती है ना तो हो जाता है उनको बिछाने में, फिर दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें धो धो के रख देती हूँ, फिर जैसे यूज़ करते वैसे कर लेते हैं। तो ये है हमारा कारपेट और मैं धो रही हूँ कारपेट। आजकल ये बहुत ट्रेंड में मैं यही बोल रही थी, बट पीछे से इतनी आवाज़ आ रही थी ना, इतनी आवाज़ आ रही थी कि मेरी आवाज़ ही नहीं समझ में आई। तो बस यहाँ पर हम जल्दी जल्दी कारपेट धोएंगे, क्योंकि आज मुझे बनानी है खीर। मैं सारे घर की सफाइयाँ वगैरह कर रही हूँ, और हमारे यहाँ अलमारी आई है और कुंडे भी हैं, तो हम कुंडे तो नहीं करते हैं। आगे की वीडियो में आपको पता चल जाएगा, मैंने पूरा बाकायदा एक व्लॉग बनाया है, वीडियो बनाया है इस पे 4-5 मिनट का, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। और मैं इनायत से पता नहीं क्या बात कर रही, ये आसिफ जी मेरा वीडियो बना रहे थे और आसिफ जी मुझे इतना चढ़ा रहे थे ना, इतना चढ़ा रहे थे बहुत ज़्यादा। तो बस मैं अपना काम खुद करती हुई, और बहुत मेहनत से धुलते हैं ये कारपेट इनको ना। पहले पता है मेरे पास आंगन था ना, काफ़ी अच्छा खासा आंगन था, तो मैं उसमें ना सर्दियों में भी धो लेती थी क्योंकि धूप बहुत अच्छी आती थी। बट अभी आंगन नहीं है, ये हमारे पास छोटा सा बरांडा है, तो हम इसी में धो लेते हैं। और मैं बहुत सारी बातें करती हुई थक गई थी मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, कल मेहमान भी काफ़ी मतलब आ गए थे, और मेहमानों के आने पे यही होता है कि आप थोड़ा थोड़ा दिन में थक जाते हो। तो एक धो के मैंने डाल दिया है, आसिफ जी सुखा कर आ गए हैं, और ये दूसरा वाला था तो मैं इसे भी धो रही थी। ये वाला इजीली धुल गया था, इस पर तो मैंने बस सर्फ का मतलब साबुन रगड़ा था, और उसके बाद पानी निकालने के लिए बहुत ईजीली साफ़ हो गया था। तो बस यहाँ पर मेरी पूरी सफाइयाँ चलती हुई, और इसके बाद मैं नहा लूँगी क्योंकि पूरी गीली हो गई थी मैं कारपेट धोते धोते ना। और आसिफ जी को गीला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, मैं तो एक दो बार बर्दाश्त भी कर लूँ, वो कहते हैं जल्दी जाओ कपड़े चेंज करो, जल्दी कपड़े चेंज करो। तो मैंने कहा कपड़े क्या चेंज करना, पूरा नहा ही लेते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से कारपेट धुल गए, एक एक काम जैसे कि ना खत्म होता रहता है, तो आपके ऊपर से बोझ उतरता रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है ये काम करना है, जब तक वो काम नहीं होगा ना, मेरा दिमाग जो है ना वो शांत नहीं हो सकता कि नहीं मुझे ये करना है, करना है, जल्दी करना है। तो बस यहाँ पर मेरा काम चल रहा है और फाइनली काम हो गया। बच्चे अभी सो रहे थे, सिर्फ आसिफ जी जगे हुए हैं मेरे साथ में, क्योंकि वो ही छोड़कर आए थे मेहमानों को। तो बस हम यहाँ पर अपना काम करते हुए, और सुबह के बज रहे हैं 7, और मेरे कारपेट और पायदान वगैरह जितने भी थे घर के वो सारे धो के डाल दिए थे। एक तरफ से मेरा सारा का सारा काम खत्म हो गया था, और फिर मैं आपसे मिलूंगी अभी थोड़ी देर बाद नहाने के बाद। अच्छा जी, तो यहाँ कारपेट धोने के बाद मैंने पूरे घर की धुलाई कर दी थी अच्छे तरीके से, और बेड की चादर भी चेंज कर दी है। अभी आप देख सकते हो मेरा बेड और मेरा घर कितना साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन लग रहा होगा। लेकिन अभी बच्चे जो है ना नानी के यहाँ गए हुए हैं, आने दो दोनों मैडमों को, और फिर देखना घर की हालत क्या कर देते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा मैसी कर देते हैं। कई बार मैं इरीटेट हो जाती हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, बट फिर उसके बाद कई बार हंसी भी आती है इन लोगों की शैतानियों पर। तो बस मम्मी कहती हैं कि जब भी कुछ जैसे कि मीठा बनाते हैं कुछ अच्छा बनाते, तो मतलब पूरा घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और आपको बांटनी है कोई चीज़ अच्छे से करनी है तो आप अच्छे तरीके से करो। तो यहाँ पर मेरी सफाइयाँ हो चुकी हैं, उसके बाद अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद, नहा धो के उसके बाद मैं खीर बनने के लिए रखूँगी, अभी नहीं रखूँगी, नहाने के बाद में। तो चलो मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद।
तो जी फाइनली मैं आ चुकी हूँ, अब नहा धो के तैयार होके आ चुकी हूँ। अभी आप लोगों ने देखा था मैंने करी थी सफाइयाँ, कारपेट वगैरह धोए थे और उसके बाद फिर मैंने करी सफाई पूरा घर। मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। अब मैं हो चुकी हूँ तैयार रेडी और मैं बनाने जा रही हूँ आज खीर। तो खीर इसलिए बना रही हूँ, इसके पीछे दो वजह हैं। फर्स्ट वजह मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि रजब का महीना चल रहा है, इन पे कूड़े बनते हैं, तो मैं मतलब जिस घर की बेटी हूँ वहाँ पर कुंडे बनाए जाते हैं, जिस घर की बहू हूँ वहाँ पर कुंडे नहीं बनाए जाते, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैं दोनों चीज़ों को मतलब ससुराल की क्या ससुराल की ससुराल की याद नहीं आ रहा वो वर्ड, रितु जी बताओ वो वर्ड क्या होता है, मतलब ससुराल की इस रीत को समझते हुए और मैके की परंपरा को निभाते हुए और ससुराल की इज्जत करते हुए, तो मैं दोनों चीज़ों का बीच का एक रास्ता निकाल लेती हूँ कि मैं वो चीज़ें नहीं करती हूँ जो कि उस दिन मेन होती हैं। जैसे कि आज कुंडे होने होते हैं तो मैं कुंडे ना करके मीठा बना के कुछ बांट देती हूँ। जैसे कि मैंने आज खीर बनाने जा रही हूँ तो मैं वो खीर बांट दूँगी। और मुहर्रम पे ऐसा होता है कि देखो जी, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे में या कहीं पे भी बोलते हैं जो सवाब का काम होता है वो खाना पीना होता है। तो जितना हो सके आप लोग खाने को दो। तो दिन क्या है क्या चीज़ें वो मुझे नहीं समझ में आता, ना वो मैटर करता। हाँ, आसिफ जी ने मुझे कभी मना नहीं करते हैं, बट मैं उनकी चीज़ को मतलब रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके जो वो चीज़ कहते हैं तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करते हुए नहीं ज़िद करती हूँ। हालांकि बच्चे ज़िद भी करते हैं कि मम्मा आप भी कुंडे बनाओ, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में होते हो, मेरे नानी के यहाँ पर होते हैं मम्मा, क्योंकि मेरी दादी बोल के गई थी मेरी मम्मा को, अल्लाह बख्शे मेरी दादी को, तो मेरी दादी करती थी तो फिर मेरी मम्मा करती हैं। बट मेरी दादी ने ये बोला था जब तक तुम हो तब करना, फिर अपनी बहू से कहो या ना कहो वो मैं नहीं कह रही, लेकिन मेरे तक तो रहेंगी ये चीज़ें। जब तो बुज़ुर्गों की बातें नहीं टाली जाती हैं और मुझे ऐसा लगता है बड़े बुज़ुर्ग जो कहते हैं वो अच्छे के लिए ही कहते हैं। उसमें आपको मैं इतना घुसती नहीं हूँ ना उसमें मैं इतना पढ़ती, मैं किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहती हूँ ना मैं किसी चीज़ को मतलब, लेकिन हाँ मुझे इतना ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ का दिन मुकर्रर नहीं होना चाहिए, ये मेरी सोच है। बाकी मैं गलत नहीं कह रही किसी चीज़ को भी, कि मुझे ऐसा लगता है दिन नहीं मुकर्रर होना चाहिए, कभी भी कुछ भी बनाओ खाओ पियो बांट दो। जैसे कि मुहर्रम का वो दिन बना दिया है कि खिचड़ा उसी दिन बनेगा, उसके बाद क्या हम रेसिपी भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मन करे खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं है, बांटने पे कोई पाबंदी नहीं है, मेरा दिल कहता है मैं बनाती भी हूँ और बांटती भी हूँ। न्याज वगैरह जो होती है वो नहीं होती, बाकी न्याज भी जो होता है वो अल्लाह का कलाम होता है, दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है, कुल पढ़े जाते हैं, उसमें कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी जाती है। बट जो चीज़ अब नहीं होती ससुराल में तो मैं उस पर बोलती नहीं हूँ और कुछ नहीं कहती। अगर मेरी ससुराल में नहीं होता ये सब कुछ तो मैं उनको भी नहीं बोलती कि नहीं आपको करना चाहिए या ऐसा नहीं होता। नहीं भाई, जैसे मैके में थे तो उसका करते थे कि वो बहुत ज़रूरी होता था कि नहीं, और मेरी मम्मा ने भी कभी मन्नत नहीं मांगी। ये जो होते हैं ये मन्नत मुराद के होते, तो मेरी मम्मा ने कभी कोई ऐसी मन्नत या मुराद नहीं मांगी, उनकी सास करवाती थी वो करते थे। अब हमारी सासू माँ नहीं करवाती है तो हम नहीं करते हैं। हमारी सासू माँ का कहना होता है कि सब दिन अल्लाह के होते हैं, तुम्हें बना के बांटना है, जितना भी मतलब खैरात ज़कात कर सकते हो, खिला पिला सकते हो, उसमें बंदिश नहीं है, लेकिन आप पर्टिकुलर वो चीज़ें नहीं करते, वो हवा नहीं होती तो मैं भी नहीं करती हूँ वो चीज़ें। तो बस ये है कि आज मैं, और दूसरी वजह मैं बता देती हूँ कि आज जैसे कि हम लोगों ने अलमारी रेनोवेट करवाई है तो एक नई चीज़ आई है घर के अंदर, अच्छी लग रही है तो खुशी है हमारी, तो खुशियों में मीठा बांटा जाता है। तो मैंने सोचा चलो जी, आसिफ जी कहते कि चलो मैं मिठाई ले आता हूँ, मैंने कहा नहीं मैं अपने हाथ से बना के कुछ बांटूँगी, तो फिर मैंने सोचा खीर बना के बांट देती हूँ, सबको खिला देती हूँ। तो मैंने सबको बोला कि हमारे घर में आई है अलमारी तो उसके लिए हमने बनाई है खीर। ये छोटी छोटी सी जो खुशियाँ होती हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे से जो पल होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे लिए तो भाई ये सब चीज़ बहुत है। और आप लोगों ने इतने प्यारे कमेंट किए कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग मतलब मेरी चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा सीरियस हो। बहुत प्यार दिया आपने मुझे, बहुत प्यार। पिछला वीडियो मेरा बहुत अच्छा गया और आपको पता है मेरा वीडियो मेरे उसमें नंबर वन पे आ गया था, आप लोगों की दुआओं की वजह से। आप लोग इतना खुशी दिखाते हो हर कमेंट, बस दीदी अप्पी आप बहुत खुश रहो, अल्लाह पाक आपको बरतने वाला बने, अल्लाह पाक इतने कपड़े बनाए कि अलमारी में हम रखें। तो मतलब ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोग मेरे साथ, मैं इसलिए अपनी हर छोटी सी छोटी बात आपको बताती हूँ क्योंकि आप लोग अच्छी एडवाइस देते हो, आप लोग बहुत खुश होते हो मेरी खुशियों में।
तो बस इसी तरीके से मेरी खुशियों में खुश होते रहिए और मुझे अपना बहुत ढेर सारा प्यार देते रहिए। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आजकल मैं तैयार होकर वीडियो बनाती हूँ, हाँ देखो रोज़ रोज़ तो नहीं हो पता, लेकिन हाँ कभी कभार मैं ऐसा कर लेती हूँ कि पर्टिकुलरली तैयार होकर वीडियो बनाती हूँ। तो मैं सोचा चलो खीर बनाने जा रही थी, और मेरी मम्मा कहती है जब अच्छी चीज़ बनाते हैं कुछ भी तो सारा घर साफ़ सुथरा पाक साफ होना ही चाहिए, आप कुछ भी बनाए खाए पिए तो अच्छे तरीके से करें, दिल से करें, करना है तो दिल से करो, नहीं करना तो फिर कुछ भी मत करो। तो मेरी सोच भी मेरी मम्मा जैसी है कि ठीक है सब कुछ हम अच्छे से करते हैं, दिल से करते हैं। तो चलिए आगे का वीडियो स्किप मत करिएगा, खीर के साथ आपसे मिलती हूँ, मैं खीर बनाने आ जाती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैमरा थोड़ा लेट से स्टार्ट करा, यहाँ पर मैं 2-3 पैकेट अपने दूध के डाल चुकी हूँ। ये है, मैं 5 किलो दूध की खीर बना रही हूँ और इसके अंदर मैंने 1 कटोरी चावल जो है ना वो भर के भिगो दिए थे। भिगोए क्या, वहाँ धो के अभी थोड़ी देर पहले ही रखे 5-10 मिनट के लिए। मैं चावलों को पीसती नहीं हूँ और बासमती राइस जो होता है मैं उसी की कच्चे चावलों की खीर बनाती हूँ। तो कई बार मैंने रेसिपी दी है लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी मैं आपको एक बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने 5 किलो दूध ले लिया क्या है, इसमें एक बूंद भी मैं पानी नहीं ऐड करती हूँ। उसके बाद मैंने 1 कटोरी चावल जो भिगो के रखे हैं, ये मेरा लास्ट का पैकेट है, तो जो मैंने भिगो के रखे हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और जब तक बॉईल नहीं आता तब तक मैं इसको कंटिन्यूसली चलाती रहूंगी ताकि चावल जो है नीचे ना लग जाए और मेरी खीर फटे ना। और मैं इसको इसी तरीके से पूरे साबुत चावल लेती हूँ, ना मैं मिक्सी में चलाती, ना मैं पीसती हूँ, ना मैं बॉईल करती हूँ, चावल खीर में ऐसे ही पड़े पड़े पकता है। यहाँ पर देखो मेरे चावल हैं और इनको 1 कटोरी चावल लेके मैंने भिगो दिया था, बस 10-15 मिनट पहले ही भिगोया था, ज़्यादा देर पहले नहीं। और एक उबाल आने के बाद मैं गैस सिम कर देती हूँ स्लो गैस पे, धीरे 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 चावल खीर में पड़ा पड़ा पक जाता है, फिर जब फूलने लगता है गल जाता है फिर मैं उसको रई घोटना जो भी आप बोलते हो उससे फिर मैं घोटना स्टार्ट करती हूँ। घोटते 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 हम इतना इसको घोट देते हैं कि फिर ये बहुत ईजीली हो जाता है। देखो यहाँ पर मेरे खीर में अभी तक बॉयल नहीं आया था तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मेरा अच्छा सा बॉईल आ जाने तक मैं इसको वो कर दूँगी। और मैं ये मावे की खीर बना रही हूँ, मावा मैंने कद्दूकस करके रख रखा है और ये बादाम है। मैं वैसे छुआरे अगर आपको डालने हो ना तो बस धो के इसी स्टेज पे डाल दो चावलों के साथ ही, तो वो फूल के एकदम डबल ट्रिपल हो जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है। तो यहाँ पर मेरी खीर जो है ना घुटते घुटते आप देख सकते हो पकते पकते कम हो गई है और मैं उसको कंटिन्यूसली घोल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था चीनी, चीनी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लूंगी, तो वो आपका उसमें कोई मेजरमेंट नहीं, आपको चखनी पड़ेगी कि कैसी खीर बन रही है, मतलब मीठा कितना रखना है। मैंने भी देखा था तो मीठा थोड़ा सा कम था, फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड करा और खोया जो है वो। तो अच्छा जी, ये देखो मेरी खीर जो है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से पक गई है और मैं उसको कंटिन्यूसली आधा घंटा हो गया है मुझे इसे चलाते चलाते घोटते घोटते, और इसको मैंने रबड़ी टाइप में बना दिया। इसका हल्का सा एलमेंट कलर हो चुका है, पिंकिश जो कहते हैं वो कलर हो गया है क्योंकि काफ़ी देर से पक रही है, इसको 5 घंटे हो गए हैं पकते पकते। और उसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से घोटा है, तो यहाँ पर मेरे जो सारे राइस थे वो घुट गए हैं। और खीर की रेसिपी मैं कई बार दे चुकी हूँ आप लोगों को, मैंने हल्के बल्कि अपना फर्स्ट ब्लॉग भी शुरुआत करा था तो खीर बनाते हुए ही शुरुआत करा था, इंट्रोडक्शन वीडियो जो था ना मेरा वो। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से खीर कड़ चुकी है, जैसे कहते हैं ना गाढ़ी भी हो गई माशाल्लाह से, और बहुत अच्छे से घुट चुकी है। और ये देख सकते हैं आप, कोई भी चावल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत बढ़िया खीर बनी है। अब मैंने कोई पीस के नहीं डालती, मैं कोई भिगो के नहीं डालती, मैं कोई चावल उबाल के नहीं डालती, कच्चे चावलों की ही बनाती हूँ मैं खीर। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ये जो मावा मैंने कराई थी, इसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर दिया है और वो इस स्टेज पे मेरा जाएगा। इस बार मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं ले रही हूँ, मैं गोला और बादाम जो है वो मैं सिर्फ डेकोरेशन में यूज़ करूँगी और किशमिश, बाकी आपका दिल करे तो स्टेज पे आप डेकोरेशन के लिए डाल सकते हैं और चिरौंजी भी डाल सकते हैं। अभी मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स चेक करे, सामान डब्बा देखा तो मेरे पास अब चिरौंजी भी नहीं थी अब, तो कोई बात नहीं, चलो जी जो भी है अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत अच्छी बन गई है, टेस्ट बहुत अच्छा है। डेकोरेशन के लिए हम गार्निशिंग के लिए बादाम और नारियल और किशमिश यूज़ ही कर लेंगे। इस बार मेरी खीर में छुआरे और चिरौंजी दो चीज़ की कमी रहेगी, बाकी टेस्ट एज इट इज़ वैसे ही रहेगा जैसे हर बार का होता है, यमी यमी गजब गजब। और इसको मैं अभी से ही कटोरों में करके ठंडा कर दूंगी और फिर उसके बाद मैं इसको बंटवा दूंगी। तो बस यही थी हमारी खीर की रेसिपी, और कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा खीर। चलो जी मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद, मिलूंगी आपसे मैं।
की तैयार है हमारी खीर, और यहाँ पर मैंने इसको बादाम से और नारियल से डेकोरेट करा है, और जितनी अभी ज़रूरत है मैंने उतनी निकाल ली है, ज़रूरत से ज़्यादा ही निकाल लिया, अगर कम पड़ेगी तो मैं और ज़्यादा कर दूँगी, और जब तक बच्चे बांटने के लिए जाएंगे तो थोड़ी जम भी जाएगी और ठंडी हो जाएगी। तो बस यहीं तक का था आज का आपका और मेरा साथ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने आप घर वालों का ध्यान रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।